हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब भी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और 10 बज चुके हैं। अभी उठे हैं हम लोग थोड़ी देर पहले। बस मैंने ब्रश व्रश किया, अभी पानी वानी पिया अपना, और सबसे पहले मैं शिवन्या को ब्रेकफास्ट दूंगी और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट देखूंगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट, ये है बेसन का चीला और साथ में है चाय। गाइस बहुत अमेजिंग बनता है, इसमें थोड़ा सा ना चावल का आटा मिक्स करके बनाओ, बहुत अमेजिंग बनता है। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, विल मेक अ वीडियो फॉर यू। एंड इस पर मैंने डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। Have a bite. बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, खिलाना चाहिए। मैं शिवन्या को भी मैक्सिमम ये देती हूँ, वो बहुत अच्छे से खाती है। और बस साथ में लूँगी चाय। अच्छा तो भाई मैं हो गई हूँ एकदम फ्रेश, नहा लिया मैंने। अभी ये सारे जितने भी कपड़े धोने वाले वो डालूंगी मशीन में। और आज मुझे इतना काम है। एक्चुअली माँ पापा भी घर पे नहीं है, उनको भी जाना है अभी कहीं पे। साहिल एज यूजुअल निकल गया ऑफिस के लिए। मुझे अपना व्लॉग एडिट करना, मैंने वो भी नहीं किया हुआ रात को। और काम भी है थोड़ा सा, खाने वाने की टेंशन ही है, वो बन गया हुआ, बना हुआ है। और बस अभी देखो कैसे मैनेज करती हूँ। साथ में सबसे बड़ी जो टेंशन है वो है शिवन्या की, उसको भी संभालना है मुझे। तो बस अभी करते हैं थोड़ा बहुत। बेडशीट चेंज कर दी है मैंने यहाँ पे, और अभी अपना बाकी का काम करते हैं। गैस पता है शिवन्या ना बॉटल से दूध बिल्कुल नहीं पीती है, इसको आदत ही नहीं है बॉटल से मतलब फीड लेने की। तो अभी क्या हुआ, अभी टच फूड इतनी बड़ी हो गई है ना कि बता देती है खुद। तो अभी मुझे कहती है मम्मा मुझे ना भूख लग रही है, मुझे ना दूध पीना है। तो मैंने कहा बॉटल में दूध पियोगे? शी सेड नो, कप में दूध पीऊँगा। तो अभी उसके लिए कप में दूध मैं गर्म कर रही हूँ, बट उसका कोई भरोसा नहीं है। कप देख कर ही बिटर जाएगी, नहीं पीना। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वही हुआ, कप देखते ही मैडम बिटर गए कि मुझे नहीं पीना है, और शिवन्या ये लो कप में दूध, प्लीज थोड़ा सा पी लो। लाइटो लग जाएगी, छोड़ो, बंद करो। आई दादी, गई दादी। तो दूध पसंद नहीं आया मैडम को, मैडम फ्रूटी पी रही है अब। और बस अभी माँ पापा कोई भी नहीं है घर पे, और हमारे घर का ना ये वाला रूम नहीं देखा होगा आपने, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं आती नहीं हूँ यहाँ पे, देख ही देती हूँ उसको। और क्या है कि शिवन्या के मैक्सिमम टॉयज होते हैं, जैसे कि ये पड़ा हुआ है, ये इसकी गाड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। हाँ चलो, अच्छा चलो किचन में रखो, चलो आ जाओ किचन में रखो। कम किसी से स्क्रिप्ट ली हुई है और प्ले की, और अभी तक मैं रिहर्सल्स पे जा नहीं पाई हूँ बिकॉज ऑफ शिवन्या, बिकॉज ऑफ घर के काम। और क्योंकि इसको देखने के लिए कोई होगा तभी मैं जा पाऊँगी। तो बस बहुत बहुत जोर, और मुझे ना वो बंदा इतनी गालियाँ देता होगा ना सच में, मतलब आ नहीं रही है रिहर्सल्स, हमने शुरू करनी है अभी तो नहीं, बट सॉरी अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो हम जल्दी शुरू करेंगे। हाँ जी, तो अभी मैंने शिवन्या का हेयर स्टाइल किया है, कमेंट में बताना कैसा लगा। हाँ जी, घूमी करने जा रही है। ओके एरोप्लेन, वाओ, बता रहा है इसका हेयर स्टाइल कैसा हुआ। कार आ गई। ओके
तो हमारा लंच हो गया है डन, मेरा भी हो गया, शिवन्या का भी हो गया, घर पे कोई है नहीं। गाड़ी स्पाइडरमैन की, आई एम वेरी हैप्पी कि आज इसने हेयर स्टाइल करवा लिया, बट हेयर स्टाइल करवाने के बाद ये रो पड़ गई कि मुझे स्पाइडरमैन के पास जाना, मैं कहाँ से लाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसको लगा के दिए टीवी पे कि मैडम देखो, बाय बाय गाड़ी, बाय गाड़ी। और अभी इसको सुलाऊंगी थोड़ी देर में, ये सोएगी फिर मैं अपने काम कर पाती हूँ, तो बस अभी कोशिश है कि इसको सुला दूँ, तो सुलाऊं फिर मिलती हूँ आपसे। यस पीटू, सो हाय एवरीवन, एक्चुअली माँ पापा आ गए हैं और मैं हो रही थी रेडी अपने वीडियोस के लिए, बट शिवन्या सोई हुई थी, वो एकदम से उठ गई, उसने पता नहीं कोई डरावना सा सपना देखा और इतना रोई ना उठते ही, नहीं 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 नहीं, और पता नहीं क्या देखा उसने क्या नहीं, बट नाउ शी इज़ ओके, वो छोड़ा उसको दादू दादी के पास और अभी हम जा रहे हैं अपनी चाय बनाने। ये बन रही है चाय, सो मैं रेडी हो गई थी, मैंने अपना जो मुझे वीडियोस बनानी थी वो मैंने वीडियोस शूट कर ली हैं, जो मुझे देखता है उनको पता होगा कि मैं मेकअप के ज़्यादातर शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, मेकअप हैक्स एंड ऑल। तो मुझे पर्सनली किसी ने कमेंट करके बोला था कि दीप प्लीज़ आप आईलैशेस कैसे लगाते हो, मुझे ना उसका वीडियो बना के बताना, तो आज जस्ट मैंने उसी का वीडियो बनाया हुआ है। और बस मुझे भी रेडी होने का शौक नहीं है, वैसे है थोड़ा बहुत, मुझे रेडी होना अच्छा लगता है, बट जब भी मुझे कोई क्वेरी आती है ना मेकअप से मतलब रिगार्डिंग, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो भी किसी की भी कोई क्वेरी है तो मैं उसको पूरा करूँ। तो बस मैंने वो वीडियो शूट करी अभी, और हाँ आज हम सारी मतलब हमारी वाली फैमिली डिनर पे इनवाइटेड है, तो अभी जाएंगे, अभी बस साहिल का वेट कर रहे हैं यार। सबसे अच्छा ना टाइम वही होता है जब हस्बैंड घर पे आते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है, वैसे तो पूरा टाइम ही अच्छा होता है, बट एक क्यूरोसिटी होती है जब हस्बैंड घर पे आते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है थोड़ी सी थकान उतर गई है, बट हस्बैंड को भी चाहिए ना कि वो आते ही वाइफ के लिए कुछ ना कुछ या तो सरप्राइज लाए या तो फिर उसको घुमाने लेकर जाए, तो ज़्यादा थकान तब उतरती है। मजाक करें तो बस अभी हमारी दीदी भी आ गए हैं और शिवन्या यहाँ पे खेल रही है। हाय शिवन्या, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, से हाय, हाय गाइस, वेट वेट, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, कम हियर पिकू, शिवन्या, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मच्छर आया, मच्छर आया, मच्छर क्या होता है, मच्छर होता है, मच्छर होता है, मच्छर उनका रोना कुछ इतना सन्ना डर क्यों है भाई, पिकू डफ हो जाना, डफ लड्डू ये स्विमिंग सीख रही है शिवन्या, गिर जाएगी अब, लग जाएगी, उस दिन कैसे गिरे थे, कैसे गिरी थी उस दिन, कैसे लगी थी, हाँ लगी थी ना आपको, और मच्छर ने कहाँ काटा था, काटा था। कैसे काटा था, इधर कैसे, हाँ अच्छा, अभी पापा ने आना है आपके, आपके पापा ने आना है आपके, अच्छा आपका नाम क्या है, आपकी मम्मा का नाम क्या है, और पापा का, अच्छा आपकी दादी का नाम क्या है, दादी का, दादी का, अच्छा और नानी का, अच्छा और दादू का नाम क्या है, अच्छा और नानू का नाम क्या है, नानू का नाम पूरन चंद, क्या नाम है, पूरन चंद, हाँ अच्छा बुआ का नाम क्या है, अच्छा और फूफू का नाम क्या है, दादा, मासी का नाम क्या है, जोर से बोलो,
पीछे। हाँ अच्छा, मोसे का नाम क्या है? जोर से बोलो ना। हाँ अच्छा, आपके भैया का नाम क्या है? भैया। और अच्छी। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा ये दिखाओ, ये दिखाओ मम्मा को, दिखाओ पापा फिंगर दिखाना। दिखा दो पापा फिंगर। हाँ आगे। हाँ ये वाला ये वाला ये वाला दो दो आगे फिंगर। ये मम्मा फिंगर है, मम्मा फिंगर, मम्मा फिंगर आयो पा। ये वाला ये वाला ना दो 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 आगे फिंगर। ये सिट फिंगर मुझे सुनाई देता देवानंद। चौथा बेबी है, ओली मिला बेटू, ये चौथा बेबी, मामा का चौथा बेबी है भाई। मछली दल की रानी। हाँ चलो चलो पीछे के बैठो, सुनाना। ये क्या है? मछली बसी। अच्छा से सुनो ममू नाचिया। अच्छे से सुनाओ। अब मच्छर गई है। मछली जल आता है इसको? नहीं सुना रही, मछली भी है। हाँ मम्मी क्या बोला दादी ने पिकू? मैं और शिवन्या ना अभी खेल रहे थे तो ये देखो इसने एक हाथ मारा और मेरी आईलैश निकल गई, तो दूसरी भी निकाल ही देती हूँ अभी। मम्मा देखो कौन आया, ये देखो ये दरवाजा खोल रही है। कौन आया? मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। हेलो बीवी भी है साथ में। ओ भाई बीवी भी है। क्या लेना? बनाना खाओगे? पिकू बनाना खाएगा? नहीं। थप्पड़ खाएगा? नहीं खाएगा। ये नहीं खाती? नहीं खाएगा। राती पानी दो? राती खाएगा। चाय? अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी आईलैश उतर गई थी, मैं उसी को लगाने के चक्कर में थी। ऐसे हाथ मारा ना इसने कि पॉपकॉर्न मम्मा के रूम में। मम्मा आप खोल दो। ये है हमारी पॉपकॉर्न का रूम। आजा, क्या खाना है? हाँ क्या खाना? बनाना खाओगे? नहीं, ये खाना है। अगर नहीं खाया ना आपने फिर मार कुट्टी को। चलेगी है बाबा? खाओ। ये है पॉपकॉर्न। काफी लोग पूछते रहते हैं दीदी पॉपकॉर्न कहाँ है, पॉपकॉर्न कहाँ है, तो ये है मैडम। और हमसे कोई हालचाल पूछे या ना पूछे, मतलब इसकी मसाज तो पक्का है ना इस टाइम आते ही। अच्छा जी, तेरे को अच्छी लगती है?
इन दोनों की अपनी कोई इंट्रैक्शन होती रहती है, पता नहीं। तो पॉपकॉर्न तो खाते ही नहीं, कहाँ खा रहे नहीं लेना, पापा ले गए, चलो पापा लेके जा रहे हैं। डर गई पिक्कू, पिक्कू कह रही है डर गई पिक्कू। कहाँ है पापा का एरोप्लेन? ये कुछ काम होते हैं जो साहिल आने के बाद करने ही होते हैं, क्योंकि वो सुबह से बाहर होते हैं ना, तो घर में कोई होता नहीं है इस तरह की नौटंकी करने के लिए शिवन्या के साथ, तो इसीलिए।